दोस्तों वो कौन से दस फ्रेंचाइजी बिजनेस के वीडियोस थे जिनको आपने 2020 में बहुत सराहा और जिनके बदौलत आप सभी लोगों ने फ्रेंचाइजी बताओ को इंडिया का नंबर वन फ्रेंचाइजी यूट्यूब चैनल बनाया जी हाँ दोस्तों मैं आशीष अग्रवाल फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं फ्लैशबैक ऑफ ट्वेंटी, ट्वेंटी जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से दस बढ़िया फ्रेंचाइजीज थी वो कौन से दस बढ़िया फ्रेंचाइजीज वीडियो थे जिन जो कि आपको बहुत अच्छे लगे जिनको आपने बहुत पसंद किया तो दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं साथ ही साथ मैं यह आशा करता हूं कि नए साल में आप नया बिजनेस करें आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और दोस्तों जो बिजनेस अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यह बिजनेस 2020 में बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं इन वीडियो को आपने बहुत लाइक किया है इनमें जो सबसे पहला बिजनेस था वो था 99 स्टोर का दोस्तों 99 जयपुर का मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो को आपने तकरीबन दस लाख व्यूज दिए हैं और बहुत सारे लोगों ने नाइन्टी स्टोर अपना ओपन कर कर बहुत अच्छी इनकम की दोस्तों कुछ लोगों का तो मेरे पास पर्सनली फोन आया कि उनके पास कोई बिजनेस नहीं था और 99 स्टोर ओपन करके वो आज के दिन तीस हजार चालीस हजार महीने का कमा रहे हैं सिर्फ तीन चार लाख रुपए उन्हें न लगाए और 99 स्टोर अपना शुरू किया जगह उनके पास खाली पड़ी थी और उस जगह का यूटिलाइज करके आज वो पिछले दो तीन महीने से हर महीने चालीस हजार रुपए महीना पचास हजार रुपए महीना कमा रहे हैं तो ऐसा ही एक वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाला था 99 स्टोर का जिसको लाइक किया और शुरू करना चाहता है तो आप मुझसे मैंने एक वीडियो बनाया था किराना स्टोर के बारे में जहां पर मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि कि किस तरीके से आप किराना स्टोर खोल सकते हैं किराना स्टोर खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है किराना स्टोर आप किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाएंगे किस तरीके किस किस टाइप के किराना स्टोर्स होते हैं और कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए कम से कम एक नॉर्मल किराना स्टोर खोलने के लिए भी तो दोस्तों उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया और उस वीडियो की बदौलत ही दोस्तों मैं आप सभी लोगों शेयर करना चाहूंगा कि गूगल ने मुझे हायर किया अपने एक प्रोजेक्ट में जहां पर मैंने गूगल के लिए एक वीडियो बनाया किराना स्टोर से रिलेटेड सो so, दोस्तों आप सभी का बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही आप में से अगर कोई किराना स्टोर ओपन करना चाहता है तो फ्रेंचाइजी बताओ हमेशा आपके साथ है आपको नए नए तरीके बताएगा नई नई चीज़ें बताएगा कि आप कैसे कम कीमत में एक नया बिजनेस शुरू करें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको दो वीडियोज बताए तीसरा वीडियो मैंने एक डाला था गवर्नमेंट सर्विसेज का जहां पर मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी दे रहा है दोस्तों वो वीडियो डायरेक्ट दोस्तों वो फ्रेंचाइजी आपको डायरेक्टली इंडिया पोस्ट ऑफिस में जाकर लेनी थी हो सकता है कि फ्रेंचाइजी पूरी हो चुकी हो इंडिया के में जहां जहां रिक्वायरमेंट थी जिन जिन स्टेट्स में रिक्वायरमेंट थी जिन जिन गांव में रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी हो लेकिन उसके बाद भी आप लोग उस वीडियो को बहुत लाइक किया आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत शेयर किया और बहुत सारे फोन्स भी मेरे पास आए कि कैसे हम लोग ये फ्रेंचाइजी ले सकते हैं किस तरीके से आप हमारी हेल्प करेंगे हमने कई लोगों को बताया कि इसके लिए आपको डायरेक्टली जो आपके नगर का जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाकर इंक्वायरी करनी होगी और वहां पर आपको ये इसके लिए एक फॉर्म मिल जाएगा और उस फॉर्म को आपको फिलअप करके देना पड़ेगा कम से कम बारहवीं पास आप होने चाहिए और पाँच हजार की फीस थी हमने पूरी जानकारी उस वीडियो में दी हुई है तो आप लोग उस वीडियो को भी आप लोगों ने उस वीडियो को भी बहुत लाइक किया इसके अलावा मैंने जियो मार्ट का एक वीडियो बनाया था जियो मार्ट और आई का दोस्तों जियो मार्ट जो कि लॉकडाउन के पीरियड में आया जियो मार्ट जिसने की एक बिल्कुल नई पहचान बना ली रिलायंस का शुरू से आदत रही है जब वो किसी बिजनेस में घुसता है तो धूम मचा देता है तो ऐसे ही धूम उसने जियो मार्ट में भी मचाई लोगों ने सर्च किया जियो मार्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक जियो मार्ट की डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी नहीं मिल रही है आप सभी लोग परेशान ना हो जैसे ही इसकी फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी सबसे पहले फ्रेंचाइजी बताओ आपको बताएगा अभी फिलहाल ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं इसीलिए आप किसी भी चक्कर में ना पड़े किसी भी झांसे में ना आए किसी को भी फालतू में एक भी रुपया ना दें कहीं ऐसा ना हो कि आप झूठ मूठ का सर्च करें और अपने पैसे डुबो दें दोस्तों इसके अलावा मैंने ग्यारह हजार रुपए में एक नमकीन की फ्रेंचाइजी बताई थी राजस्थानी नमकीन फ्रेंचाइजी राजस्थानी नमकीन फ्रेंचाइजी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो ग्यारह हजार रुपए में आपको पिन कोड लेवल पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है आपको ग्यारह हजार रुपये में चौदह हजार रुपए के नमकीन आपके घर पर आ जाते हैं जिनको आप टेस्ट करिए लोगों को टेस्ट कराइए खाइए और बेचिए और एक बहुत अच्छा इनकम अपॉर्चुनिटी भी एक पूरे पिनकोड की फ्रेंचाइजी आपको मिल जाती है उस पूरे पिन कोड में आप ही सेल करेंगे कोई और सेल नहीं करेगा तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको अमेजन से रिलेटेड बिजनेस बताए थे दोस्तों अमेजन जो कि आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन दुकान है इंडिया के हर पिन कोड में डिलीवरीज है ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा शायद जो आपको अमेजन पे नहीं मिलेगा ये आपको अलग अलग तरीके से इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप एटीएस बनकर मतलब कि अमेजन ट्रेंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट बनकर आप अमेजन से इनकम अन्न कर सकते हैं आप अमेजन के एसोसिएट बनकर अमेजन से इनकम अर्न कर सकते हैं आप अमेजन पर माल बेचकर अमेजन से इनकम अन कर सकते हैं साथ ही साथ अमेजन का ईजी स्टोर लेकर भी अमेजन से इनकम अन कर सकते हैं तो अमेजोन से कमाने के बहुत सारे तरीके हैं तो वो सारे तरीके मैंने आपको कुछ वीडियो में बताए थे इन वीडियोस को आपने बहुत लाइक किया डायरेक्टली amazon.com या amazon.in पर आप जाएंगे वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी तो दोस्तों amazon को भी आपने बहुत लाइक किया साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था कोरियर की फ्रेंचाइजी के बारे में कोई कैरियरली कोरियर एक फ्रेंचाइजी है जिसको आप लोगों ने बहुत लाइक किया और आज सिर्फ कुछ दिनों में ही उसकी 50 से ज़्यादा ऑफिस खुल गए हैं 50 से ज़्यादा ब्रांचेज खुल गए हैं 50 से ज़्यादा कलेक्शन पॉइंट्स खुल गए हैं क्योंकि दोस्तों कोरियर एक बढ़ती हुई नीड है एक ऐसी नीड है जिसकी की रिक्वायरमेंट इंडिया में रहनी ही रहनी है क्योंकि दोस्तों ई कॉमर्स बढ़ रहा है क्योंकि दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है क्योंकि आज हम लोगों को सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है इसके लिए कुरियर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है तो आप अगर पांच हजार रुपए में कलेक्शन पॉइंट ले रहे हैं और आप महीने का पचास हजार पच्चीस हजार दस हजार रुपए भी कमा रहे हैं तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी है जो आपको कैरियरली कुरियर दे रहा है डी टी दे रहा है और ऐसे बहुत सारे अलग अलग कुरियर कंपनीज हैं जिनके आप कलेक्शन पॉइंट ले सकते हैं एक फ्रेंचाइजी मैंने आपको बताई थी चाय सुट्टा बार चाय सुट्टा बार को आपने दो लाख से ज्यादा व्यूज दिए एक साल के अंदर और बहुत सारी फ्रेंचाइजीज भी ओपन हुई चाय सुट्टा बार की आज चाय सुट्टा बार किसी नाम का मोहताज नहीं है दोस्तों चाय सुट्टा बार नाम से मांगते हैं फ्रेंचाइजीज और इंडिया में साठ से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं इनकी आप किसी शहर में चले जाएं आपको अपने आसपास चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी मिल, जा मिल जाएगी चाय में चाय को अलग तरीके से पेश करने वाला ब्रांड है चाय सुट्टा बार दोस्तों दो और वीडियोस जो मैंने आपके लिए बनाए थे एक मैंने आपके लिए बनाया था जब सरकार लेकर आई थी एमएसएमई लोन्स की स्कीम अगर आप एक एमएसएमई रन कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एमएसएमई लोन्स मिल सकते हैं उसका भी वीडियो में लेकर आया था और इस वीडियो पर मैंने आपके लिए इसी चैनल पर मैंने आपके लिए लाइव किया था आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से एमएसएमई नंबर बनाया जा सकता है किस तरीके से उद्योग आधार लिया जा सकता है किस तरीके से सरकार लोन दे रही है एम को जो छोटे उद्योग हैं लघु उद्योग हैं उनको कैसे लोन्स मिल रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी आपको एक वीडियो मैंने इस चैनल पर लाइव किया था इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे वीडियोस को आपने बहुत लाइक किया है मैं आप सभी लोगों को जितना आभार व्यक्त करूं जितना थैंक यू कहूं जितना आप लोगों से मैं चाहता था उससे कहीं ज़्यादा प्यार आपने मुझे दिया है So, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि 2020 का साल आपने फ्रेंचाइजी बताओ के लिए एक सुपर हिट साल बनाया 2020 के के साल में आपने फ्रेंचाइजी बताओ को इंडिया का नंबर वन फ्रेंचाइजी यूट्यूब चैनल बनाया आज लोग फ्रेंचाइजी के नाम से फ्रेंचाइजी बताओ को जानते हैं वो सिर्फ आप लोगों की बदौलत और दोस्तों कैसी फ्रेंचाइजी आपको चाहिए वो कौन सी फ्रेंचाइजी जिसमें आपका इंटरेस्ट है मैं आपको क्या और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं मैं रात दिन आप लोगों के लिए काम करता हूं और हो सकता है आगे और भी अच्छे वीडियोज लेकर आऊं हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में आपको कुछ अच्छे वीडियोस ना भी मिले हों लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत प्यार किया बहुत लाइक किया बहुत शेयर किया ऐसे ही उम्मीद मैं आपसे 2021 में भी करूंगा आप लोग मुझे बताएं कि आपको कैसे वीडियो चाहिए कौन से वो बिजनेस है जिनमें आपका इंटरेस्ट है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए फ्रेंचाइजी बताओ हमेशा खुला है और फ्रेंचाइजी बताओ के चैनल पर अपने बिजनेस का प्रमोशन करवा सकते हैं दोस्तों अगर हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेस हासिल करेंगे और ऐसी सक्सेस के लिए फ्रेंचाइजी बताओ जाना जाता है आप सभी के साथ है फ्रेंचाइजी बताओ आप सभी लोगों के लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे नए नए वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे आप लोगों से प्यार की अपेक्षा है लाइक्स की अपेक्षा है शेयरिंग की अपेक्षा है सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आशीष अग्रवाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जय हिंद जय भारत